तो स्वागत है गाइस मेरे नाइट के ब्लॉग में। तो गाइस मेरे घर में बहुत सारा शोर शराबा चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि भाई सब इस शोर शराबे से दूर हटके ब्लॉगिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, हमारे भाई लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। गाइस मैं पहली बार नहीं बल्कि दूसरी तीसरी बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करता हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं कहीं पर जाता नहीं हूँ, लेकिन यहीं घर पर पड़ा पड़ा ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भाई साहब गुमशुदा सी बातें चल रही हैं हमारी, मैंने उसमें क्या किया बीच में ब्लॉगिंग घुसेड़ दी, तो इन दोनों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि भाई साहब कैमरे के सामने बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं गाइस, क्योंकि भाई साहब बहुत देर से मुझको ये दोनों कह रही थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा यूट्यूब पर। तो गाइस आप लोग दिखा दो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके दिखा दो चैनल को, और भाई साहब रात ही रात में 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो बस। खुश हो रहा है भाई मेरा खुश। तो गाइस आज से डेली की डेली ब्लॉगिंग आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, भीख नहीं मांग रहा हूँ, करना है तो करो वरना फॉलो करो और लाइक करो और जाओ बस मौज करो। कुछ नहीं भाई साहब पड़े हुए हैं इस टाइम पे ग्वालियर में, आप लोगों ने मेरा एड्रेस तो जान देख ही लिया होगा मैं एड्रेस। मुझे भाई साहब ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है, मैं भाई साहब कुछ भी डाल देता हूँ बनाकर, मतलब कुछ नहीं बस यहाँ पे पढ़ा था, मैंने सोचा कि कंटेंट नहीं मिल रहा है मेरे चैनल पे, एक और चैनल है भाई साहब, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग ही डाल दूँ, ब्लॉगिंग ही कर दूँ भाई साहब बिना एडिट किए, आज इस ब्लॉग को डालूँगा बिना एडिट किए, ऐसे ही हर एक बात को बिना एडिट किए। भाई साहब क्वालिटी तो मस्त आ रही है, बाल भाई साहब इस नगवे ने मेरे बाल ख़राब कर दिए हैं गाइस। मैं क्या हुआ भाई साहब, मैं आपको अपनी दुखभरी मैं गाइस गाइस जिसको शर्म लग रही है कैमरे में, लेकिन बल्कि खुद मुझसे बड़ा यूट्यूबर है और उसको शर्म लग रही है। तो गाइस इसका चैनल तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मना किया है लोंडे ने। तो गाइस क्या था मैं नवे वाली कहानी पे, नवे वाली। तो गाइस क्या हुआ, मैं गया था भाई साहब कटिंग कराने के लिए संडे के दिन, यानी कि 2-3 हफ्ते हो गए। तो गाइस वहाँ पर गया था मैं, तो उनसे मैंने बोला भाई साहब एक 2 साइड वाली कटिंग कर दो, यहाँ से ये उड़ा दो और इस साइड से ये उड़ा दो। तो गए तो मैं वहाँ पे चिपका हुआ था फोटो, मतलब वहाँ पर चिपका हुआ था फोटो चिपका हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा अंकल जी ऐसे कर दो, तो फोटो क्या था ना, ये ऐसे फोटो है, तो फोटो यहाँ से यूँ मुड़ा था, तो आगे के खड़े हुए बार होते हैं ना उसके, वो मुड़ गए और बस चांद चांद सी नज़र आने लगी बस उसकी। तो उसने क्या किया भाई साहब, मेरे बीच से मशीन रख दी यूँ भाई साहब कैंची से ये उड़ाए बीच में ऐसे, और क्या छोड़ा इतने बड़े बड़े बाल। अभी तो गाइस थोड़े से ठीक हो गए हैं बाल, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा बाल गंदे कर दिए थे मेरे। तो गाइस बहुत दुख भरी दास्ता थी मेरी, मैंने उसको भाई साहब बहुत ज़्यादा गाली दी, बहुत ज़्यादा। अब क्या करता भाई साहब, उसको दुकान में पीट तो नहीं सकता था, वो थोड़ा सा पुराना था दुकानदार भी, वो मेरा दोस्त था नहीं, मतलब उसका छोटा वाला लड़का था, वो मेरी कटिंग करता था हर बार, लेकिन इस बार उसके केस ने डोकर ने कटिंग की थी, डोकर ने, और बिगाड़ दिए बाल भाई साहब। और क्या करें भाई साहब, हम थे छेड़े सीधे आदमी, हम बेचारे शर्म से लथपथ हो गए थे, हमने क्या कहा कि भाई साहब अरे क्या बहस करो इनसे, हम डरे हुए आदमी थे, हमने कहा अंकल जी जैसा हुआ वैसा हो जाने दो, आप इनको थोड़ा सा सेट कर दो, ये बगल बगल से थोड़े सही कर दो, और ऊपर से जो है वैसे भी रहने दो। तो मैंने गाइस यहाँ से आगे से एक जैसे भी नहीं करवाई, एक जैसे बार होती ये भी नहीं करवाया गाइस मैंने, ये बार इनको भी मैंने नहीं कटवाया, मतलब मैं अगर कंघे से ऐसे करूँगा इनको तो यहाँ पे छोटे यहाँ पर बड़े कहीं कहीं ऐसे ऐसे बार रहेंगे। तो गाइस बहुत ही दुख भरी कहानी है, ऐसी दुख भरी कहानी दिन भर की मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ के सुनाया करूँगा आप लोगों को, क्योंकि गाइस बस सब्सक्राइब कर लेना, बस एक बार सब्सक्राइब करोगे तभी कुछ मिलेगा, वरना घट्टा फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगो तो ब्लॉग को लाइक करो, फिर मिलते हैं हमारी एक और पंचायत में लेकर, एक और न्यू दास्तान को लेकर। तो बाय, एकदम पोज वाली